अयोध्या पहुंचे अपर मुख्य सचिव खेलकूद नवनीत सहगल ने ढाबा सेमर स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया, तो वहीं खिलाड़ियों से मुलाकात भी की और उन्होंने बच्चों के साथ टेबल टेनिस खेला। इस दौरान वे निरीक्षण के दौरान अधूरी सुविधाओं के असंतुष्ट दिखे। नवनीत सहगल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में बहुत सी सुविधाएं अधूरी हैं, स्टेडियम को उपयोगी बनाना है। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने नवनीत सहगल ने रिपोर्ट मांगी। उन्होंने रिपोर्ट में कौन सी सुविधाएं हैं, कौन सी नहीं है, जो नहीं है वह कितने दिन में शुरू हो जाएंगी, जो सुविधा नहीं शुरू पाई उसका क्या कारण है, सरकार का जो पैसा खर्च हुआ है वो उपयोगी हो। अब ये अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे क्रीड़ा परिसर जो खेल परिसर है वो बन रहा था, तो उसी की मैं देखने आया था कि कैसे ये जो सुविधाएं हैं आम आदमी के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए कैसे उपयोगी बनाई जा सकती हैं। और मैंने देखा है बहुत सारी सुविधाएं अधूरी पड़ी हुई हैं, अब इन पे इनका विवरण मंगा के इस पर निर्णय लिया जाएगा कि इसको आगे कैसे करना है। लेकिन आवश्यकता है इस बात की कि जो भी सरकार का पैसा खर्च हुआ है वो यूजफुल बने, वो लोगों के काम आए, वो खिलाड़ियों के काम आए। सर अभी तक जो जांच देखा आपने निरीक्षण के दौरान क्या कमियां पाई हैं, क्या क्या हुआ? ये तो आपको दिख रहा अधूरा है, इसको ठीक कराएंगे। बहुत दिन से यहां रुका है स्टेडियम, तो कोई स्टेडियम में बच्चों के लिए अभी पूरा डिटेल इनसे मैंने बोला बना के देंगे, कौन कौन की सुविधा कितने दिन में चालू हो सकती है और जो सुविधा नहीं चालू हो पा रही उसके क्या कारण है, क्यों नहीं हो सकती। लक्ष्य कितना दिनों का है अभी बना के बताएंगे।